प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के बीसी गुरु में। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अर्थात दो संख्याओं के बीच में हम पाँच या छः या चार या तीन परिमेय संख्याएँ ज्ञात करना इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है ना। तो आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिना फास्ट फॉरवर्ड करके आप देखिएगा जिससे कि चीज़ें आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और साथ ही हम एक काम और करेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 यानी आपका फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज 1.1 भी आज इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन उसके हल करना सीखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है ना। देखिए एक प्रश्न पैदा होता है कि संख्या एक और दो दी गई है, इन दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो हम इसको दो तरीके से ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन हम एक ले लेते हैं, क्वेश्चन एक और दो के बीच पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न को देखिए दो तरीके से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके दो मेथड होंगे। फर्स्ट मेथड में क्या होगा कि कोई संख्या है, मान लीजिए एक है, ये दो है, इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर ले। तो इसका एक फार्मूला बेसिक होता है r + s = 2। तो इक्वल टू r एक है, ये s है, तो 1 + 2/2 = 3/2। तो एक नंबर हमको यहाँ पर 3/2 ये मिल गया, ठीक है। दूसरा तरीका, दूसरा क्या होगा, दूसरी संख्या, एक संख्या निकाली, दूसरी संख्या निकालेंगे हम यहाँ पर, तो इस और इस संख्या के को जोड़ के दो को भाग दे देंगे। इसी तरीके से ये हो जाएगा 1 + 3/2/2, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 × 2 / 3/2 बराबर हो जाएगा 5/4। एक नंबर यहाँ पर हमें 5/4 मिल गया, ठीक, इसी फार्मूले से, r+s के फार्मूले से। फिर देखिएगा अब हम यहाँ पर 3/2 और 2 के बीच में एक नंबर निकाल लें, तो ये हो जाएगा, यहाँ देख रहा है 3/2 + 2 के बीच में एक नंबर निकाल लें, तो ये हो जाएगा 3 × 4/2 = 7/4, ठीक। तो ये 7/4 एक नंबर निकला है हमने। अब कितने नंबर निकाल लिए, 1, 2 और 3 नंबर निकाल लिए। अब देखिए चाहे तो हम 3/2 और 5/4 के बीच में एक नंबर निकाल लें, और चाहे तो 3/2 और 7/4 के बीच में एक निकाल लें, और फिर एक नंबर 7/4 और 2 के बीच में हम निकाल लेंगे। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो एक नंबर और निकाल लें हम, इनको मिटा देते हैं। तो एक नेक्स्ट नंबर देखिएगा हम इसके बीच में निकाल लें, 5 और 5/4 और 1 के बीच में, तो 1 × 5/4/2 ये हो जाएगा 4 × 5/4/2, तो 9/8 हो जाएगा। अब चेक कर लीजिएगा, 4 × 4 + 5/4 यानी हो जाएगा 9/8। एक नंबर हमारा यहाँ पर 9/8 हमको यहाँ मिल गया, ठीक है। अब एक नंबर 7/4 और 2 के बीच में निकाल लें, ये हो जाएगा 7/4 × 2/2, ये हो जाएगा 7 × 8/8, तो ये हो जाएगा 8 × 7 = 15/8, यानी इसके बीच में हो गया 15/8। आप संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या हमने निकाल ली, और 6 निकलवानी हो तो 3/2 और 7/4, मतलब किसी के भी किन्हीं दो डिजिट, किसी किन्हीं दो संख्याओं के बीच में, परिमेय संख्याओं के बीच में एक नई परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं। इनके बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो एक तो मेथड ही हो गया आपका सिंपल, दो संख्याओं को जोड़ लो, दो का भाग दे दो, कोई सी दो संख्याएं इनमें से ले लो, 5/4, 3/2 ले लो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को दो का भाग दे दो, आराम से वही आपका r + s / 2 के फार्मूले से आप इसको
निकाल सकते हैं। तो ये तो एक बिल्कुल परंपरागत विधि हो गई, मगर समस्या इसमें तब आती है जब बड़े अमाउंट में ज्यादा नंबर पूछे जाते हैं दो संख्याओं के बीच में, तब एक दिक्कत आती है। इसके लिए हम आपको सेकंड मेथड यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए सेकंड मेथड की ओर चलते हैं हम यहाँ पर। मगर हाँ एक चीज आपको बता दे रहे हैं कि जो सेकंड मेथड से हम निकालेंगे तो वो नंबर इन नंबर के इक्वल नहीं होंगे, इतनी बात आप जान लीजिए कि वो नंबर इन नंबर के इक्वल नहीं होंगे। तो आप परेशान मत होइए, कंफ्यूज मत होइए, आपको तो छह पर में संख्या निकालनी है, पांच निकालनी है, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो चलिए दूसरे तरीके से आप इसको हल करते हैं, ये हम फिर सेकंड मेथड से आपको इसको बताएंगे। सेकंड मेथड में क्या है कि एक और दो के बीच में परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा सेकंड मेथड है और इस सेकंड मेथड से हम आपको बताएंगे। तो यहां पर देखिए एक नंबर लाइन ले लेते हैं हम यहां पर, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा जीरो है, ठीक, ये हमारा माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस टू हो जाएगा, ये माइनस थ्री हो जाएगा, ये प्लस का वन हो जाएगा, ये प्लस का टू हो जाएगा, प्लस का थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एक और दो के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जब एक और दो के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, वो भी पांच ज्ञात करनी है, तो ये स्पेस थोड़ा सा हम यहाँ पर बड़ा ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए किस तरीके से लेते हैं, यहाँ पर इसी को हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो इसको हम दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, नहीं तो स्पेस फिर हमारे पास दिक्कत होगी। तो देखिए इसको हमने इस तरीके से डिजाइन कर लिया, चूंकि पांच नंबर इसके बीच में हम करने हैं, तो इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमको कितनी संख्या ज्ञात करनी है, पांच ज्ञात करनी है। संख्या जब हमको पांच ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे कि पांच प्लस एक बराबर छ, ये कर लेंगे। अब ये क्या है, इसको हम एक का हर के रूप में, एक के हर के रूप में इसको हम लिखेंगे। तो एक के हर के रूप में कैसे लिखेंगे, जब एक छह को हम एक के हर के रूप में लिखेंगे, इसका मतलब है कि एक बटे छह लिखे हम। अब एक बटे छह तभी लिखेंगे जब हम इसके अंश में छह का गुणा कर देंगे, ठीक। यह कहने का मतलब है कि एक को छह के हर के रूप में लिखने के लिए एक गुणा छह बटे छह हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर छह बटे छह। ऐसे ही दो को लिखेंगे तो दो गुणा छह बटे छह और बराबर ही हो जाएगा बारह बटे छह। इस तरीके से हम यहाँ पर इनको लिखेंगे, ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसको लिख दें हम सिक्स अपॉन सिक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये लिख दें हम छह बटे छह और इसको लिख दें हम दो को बारह बटे छह, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हमको ये अंश मिल गया, हर मिल गया, तो यहाँ पर देखिए एक नंबर नया आ जाएगा सात बटे छः, एक आ जाएगा आठ बटे छः, एक आ जाएगा नौ बटे छः, एक आ जाएगा दस बटे छः और एक आ जाएगा ग्यारह बटे छः। इस तरीके से हमको ये पांच नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। थोड़ा सा ये तरीका सूटेबल है, सरल है और आपके आसानी से समझ में भी आ जाएगा। बस जैसे पाँच से क्या निकलवाई है, तो पाँच प्लस एक यानी जिस नंबर के बीच में लिखा पूछा जा रहा है इन दोनों नंबर के, तो उसके ये हर के रूप में उस संख्या को लिखना होता है। तो हर के रूप में लिखने के लिए क्या होगा, एक बटे छः लिखेंगे, मगर एक बटे छः तभी लिखेंगे जब उसके अंश में भी हम छः का गुणा करेंगे। तो इस तरीके से ये हमने देखिएगा पांच संख्याएं निकाल ली। तो आप देखिए अतः संख्या एक व दो के बीच पांच परिमेय संख्याएं बराबर हो जाएंगी सात बटे छः, आठ बटे छः, नौ बटे छः, दस बटे छः और ग्यारह बटे छः। ये पांच परिमेय संख्या, ये हमारा साथियों आंसर हो गया, प्यारे बच्चों आंसर हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन है कि तीन और चार के बीच छह परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तीन और चार के बीच में कितनी छह परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसको भी हम सेकंड मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमने तीन ले लिया, यहाँ पर हमने चार ले लिया, ठीक है, ये संख्या ले ली। यहाँ पर मान लीजिए हमारा दो होगा, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे जीरो होगा,
यहाँ पर माइनस वन होगा, माइनस टू होगा, माइनस थ्री होगा और आगे यहाँ पर माइनस फोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें परिमेय संख्या छह ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम तीन और चार के बीच छह परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिएगा हम वही तरीका लेंगे कि छह परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो छह प्लस वन इक्वल टू सेवन, यानी तीन और चार के हर के रूप में हम सेवन को लिखेंगे। वो तभी लिख सकते हैं जब हम तीन के अंश में और हर में सात का गुणा कर दें और इधर चार के अंश और हर में सात का गुणा कर दें। तो ये बेटा हो जाएगा सात के इक्कीस बटे सात, यानी तीन कितना हो जाएगा इक्कीस बटे सात हो जाएगा। ऐसे ही चार क्या हो जाएगा अट्ठाईस बटे सात हो जाएगा। अब देखिए अब हम तीन को भूल जाए, अब इक्कीस हमको याद रहेगा, इधर अट्ठाईस रहेगा, ठीक है। तो आगे संख्या लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा देखिए 22 बटे सात, फिर 23 बटे सात, फिर 24 बटे सात, इस क्रम से लिख देंगे 25 बटे सात, 26 बटे सात और 27 बटे सात, इनको बैठा दीजिए। तो ये देखिएगा परिमेय संख्या भी आ गई, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं, छह परिमेय संख्या हमारी ये यहाँ पर आसानी से निकल आते हैं। तो है ना कमाल की बात, आसानी से ये क्वेश्चन नंबर दो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हैं अतः तीन और चार के बीच छह परिमेय संख्याएं 22 बटे सात, 23 बटे सात, देखिए बहुत सरल हो जाता है, 24 बटे सात, 25 बटे सात, 26 बटे सात और 27 बटे सात है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर टू हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री भी हम इसी वीडियो में हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थ्री भी आप आसानी से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थ्री है 3/5 और 4/5 के बीच में पांच परिमेय संख्या, चूंकि ये ऑलरेडी परिमेय संख्या के रूप में ही ये नंबर दिए हुए हैं तो ये और आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन और बाकी इसको हल करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए और शेयर करिए, कमेंट्स करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है हमारी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन थ्री है 3/5 और 4/5 के बीच पांच परिमेय संख्याएं आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको हम दो तरीके से इसको हल करेंगे, एक तो सिंपल आर प्लस एस अपॉन टू के फार्मूले से करेंगे और एक शॉर्ट सेकेंड मेथड से भी हम इसको करेंगे। तो देखिए ये नंबर है 3/5 और ये 4/5, ये नंबर है और इसके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए पहली पर निकालनी है पांच, तो पहली आर प्लस एस के फार्मूले से आर प्लस एस अपॉन टू इक्वल टू 3/5 प्लस 4/5 बाई टू, तो ये हो जाएगा इक्वल टू दो और चार और तीन 7/5, 7 × 2 = 14, सॉरी 7 × 7 = 7 और 5 × 10 एक हो जाएगा 7/10, ठीक है। दूसरा देखिएगा इन दोनों के बीच में निकालना, एक हो जाएगा 1/2 3/5 धन 7/10, तो ये हो जाएगा 10 एलसीएम आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 × 6 + 7 = 10, ठीक, तो ये हो जाएगा 13/10। इन दोनों के बीच में निकाल लें तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा बराबर, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर निकाल लें 1/2 7/10 धन 4/5, ठीक, तो ये निकल आएगा 10 एलसीएम आ जाएगा, तो हो जाएगा 7 × 5 × 10 = 8 बराबर 15/10, इसमें आ जाएगा 15/10। तीसरा नंबर, चौथा नंबर इधर निकाल लें, चौथा देखिए इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं 1/2 7/10 धन 15/10 और ये हो जाएगा
पंद्रह सात बाईस बटे बीस, ये हो जाएगा बाईस बटे बीस हो गया। तो एक दो तीन चार निकल आया, पांचवा एक और निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा पांचवा नंबर हो जाएगा हमारा एक बटे दो, तेरह बटे दस, दस सात बटे दस, तो तेरह सात बीस होता है, बीस बटे दस और दो ये है थोड़ा दो बराबर बीस बटे बीस, एक नंबर निकल आएगा हमारा यहाँ पर बीस बटे बीस। इस तरीके से ये पांच नंबर हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, एक दूसरा तरीका सेकंड मेथड भी है जो थोड़ा सा सरल लगेगा आपको, तो चलिए उस दूसरे मेथड को भी हम यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, उस दूसरे मेथड से भी हम यहाँ पर आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे। चूंकि ये पांच संख्या पूछ रहा है तो पांच प्लस एक बराबर छः, तो जो संख्या छः है इसको हम आर मान लें, इसको हम एस मान लें, चाहे एक्स और वाई मान लीजिए, आर मान लें। तो अब ये जो छः है ये आर के हर के रूप में हम इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आर बटे छः, मगर इसे लिख तभी सकते हैं जब इसके अंश में भी छः का गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा सिक्स आर अपॉन सिक्स। ऐसे ही इसको भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स एस अपॉन सिक्स। इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसी चलो हम वाई लिख लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्स, यानी हो जाएगा सिक्स एक्स अपॉन सिक्स, ये हो जाएगा सिक्स वाई अपॉन सिक्स इस फॉर्म में। अब एक्स का मान आप रख दीजिए, ठीक है, तो एक्स का मान हो जाएगा सिक्स इंटू थ्री अपॉन फाइव, और छः नीचे है ही, ऐसे इसमें हो जाएगा छः गुणा चार बटे पाँच, और छः ये है ही ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा अट्ठारह बटे तीस, और ये हो जाएगा चौबीस बटे तीस। यानी ये नंबर हमको क्या मिला, ये नंबर मिल गया हमको चौबीस बटे तीस मिल गया, और ये नंबर मिल गया जो हमें अठारह बटे तीस मिल गया। अब बात हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई, ठीक है, अब अठारह बटे तीस, चौबीस बटे तीस, अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस इस तरह से लिखते जाएंगे, तो ये नंबर हमारा अठारह बटे तीस हो गया। तो अगला नंबर होगा वो हमारा उन्नीस बटे तीस हो जाएगा, क्योंकि ये भी चौबीस बटे तीस है, फिर बीस बटे तीस हो जाएगा, फिर इक्कीस बटे तीस हो जाएगा, फिर बाईस बटे तीस हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक हो गया तेईस बटे तीस। इस तरीके से ये पांच नंबर हमको यहाँ पर मिल जाते हैं, ये नंबर। तो एक तरीका सरल ये भी है, आप इस तरीके से भी कर लें, मगर आपको परंपरागत तरीका R प्लस एस वाला अच्छा लगता है तो आप उसको कर लें, अगर ये तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप इसको कर लें। ये क्वेश्चन नंबर तीन था आपका, क्वेश्चन नंबर दो एक एग्जांपल, हमने तीन क्वेश्चन इस वीडियो में आपको करा दिए हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो लाइक तो मेरा बनता ही है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त मित्रों के पास फॉरवर्डर्स दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।